अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ऑफ द रेटिना, दैट इज़ द रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? ओमा से आपको समझ आ रही है कि इट इज़ द ट्यूमर, ठीक है। ब्लास्टोमा, ब्लास्टोमा इज एक्चुअली द मेलिग्नेंट ट्यूमर। किसका है? रेटिना का है, ठीक है। तो ये कंजेनिटल होता है, बाय बर्थ ये प्रेजेंट होता है, कंजेनिटल होता है, ठीक है। कंजेनिटल हमारे पास होता है, मेलिग्नेंट। ब्लास्टोमा इज़ फॉर द मेलिग्नेंट, ठीक है। किसका होता है? रेटिना का, ठीक है। तो कहाँ से आता है ये? जो हमारे सेल्स होते हैं ना, रेटिनोब्लास्ट्स, ठीक है, सेंसरी रेटिना जो हमारी होती है उसके सेल्स होते हैं रेटिनोब्लास्ट। ये हमारे सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले, दीज आर द रेटिनोब्लास्ट्स। ये कहाँ होते हैं? सेंसरी रेटिना में। दो तरह की रेटिना होती है ना, एक हमारी पिगमेंट्री रेटिना होती है और एक हमारी जो है सेंसरी रेटिना होती है। सेंसरी रेटिना के अंदर जो रेटिनोब्लास्ट होते हैं ना, उनका ट्यूमर स्टार्ट हो जाता है। एज यू कैन सी इन हेयर, रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर सेल। क्यों होता है? आपने हमेशा याद रखना, जो हमारे पास होता है ना आरबी जीन होती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन आरबी जीन होती है, ये ट्यूमर सप्रेसर होती है। इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, उन्हें क्या करना होता है कि ट्यूमर जो है उनकी प्रोग्रेशन को सप्रेस करके रखना होता है। लेकिन अगर उनकी कोई ऐसी म्यूटेशन आती है कि वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स किसी तरह ख़त्म हो जाएँ, ट्यूमर्स को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से फिर जो है वो ट्यूमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वॉट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा? इट इज़ अ कंजेनिटल malignant tumor arising from the primitive retinal cells which are the retinoblasts of the sensory retina, ठीक है। अब ये जो retinoblasts होते हैं, ये primitive retinal cells होते हैं, means अभी start हुआ होता है, ये कोई मतलब मेच्योर नहीं होते, उनमें से start हो जाता है malignant tumor, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकी जो आपने चीज़ याद रखनी है ये कि ये हमारे पास पहले तीन सालों में, जो ज़िंदगी के पहले तीन साल होते हैं उनमें ये arise करता है, मोस्ट प्रॉबेबली 2 to 4 years में होता है। और ये आपने याद रखना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। पीछे जो हमने देखा था रेटिनल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, उसमें हमने देखा था कि वो ज़्यादातर क्या था हमारे पास, ऑटोसोमल रिसेसिव था, जिसमें दोनों हमारे जो पेरेंट्स एंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास केस होता है ना, इसमें अच्छा उसकी ट्रीटमेंट में ना, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ट्रीटमेंट में हमने काउंसिल ज़रूर करना होता है कि कज़न मैरिजेस को ना करो, ठीक है। और जो है जेनेटिक एक जो है ना, आप स्क्रीनिंग करवा लो पहले, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने जो है ना उसमें याद रखनी है कि जेनेटिक काउंसलिंग करनी है और काउंसिल अगेंस्ट द कज़न मैरिज, ठीक है। ट्रीटमेंट में शुरू में आपने ये ज़रूर बताना है उनको। वैसे तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन यह है कि काउंसलिंग में आपने मतलब याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये और वो ऑटोसोमल रिसेसिव था। और ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि एक पेरेंट जो होता है उसमें इफेक्टेड होता है, ठीक है। इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इसमें अब देखें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है मीन्स के अफेक्टेड फादर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो फादर था ना, इसको रेटिनोब्लास्टोमा है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगी, एक डोमिनेंट है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट हमारे पास जीन होगी, ठीक है, ब्लास्टोमा के लिए, रेटिनोब्लास्टोमा के लिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कैपिटल डी और स्मॉल डी, ठीक है, और मदर जो है वो अनइफेक्टेड है, तो वो हमारे पास डी डी होगी, ठीक है, स्मॉल डी, ठीक है। अब हमने जब इसका वो सारा बनाया ना, तो हमें ये पता चला कि डी और डी मिलेंगे, ठीक है, डी और डी मिलेंगे, ऐसे हो सकता है ना, और ये डी और डी मिलेंगे और ये डी और डी मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ना डी एंड डी, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब कौन से हमारे पास जो है वो अफेक्टेड होंगे, जब इस तरह से सारी हायरार्की बनेगी, तो क्या कौन कौन से अफेक्टेड होंगे? ये वाला सन अफेक्ट होगा, ये जो है डॉटर अफेक्ट होगी। तो कितने चांसेस हैं? 50% चांसेस है ना। तो ये आपके MCQs में आ सकते हैं, इस वजह से हायरार्की बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं बता रही मैं हायरार्की, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है कि 50% चांस होता है, ठीक है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव था उसमें कितने चांस था? 25% था, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस में हम आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस में मैंने आपको ये बताया ना कि होते हैं कि रेटिनोब्लास्ट होते हैं जो प्रिमिटिव होते हैं, और वो जो है ना ट्यूमर सेल्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। अब होता तो ये हेरिटेबल भी होता है और नॉन हेरिटेबल भी होता है, इसकी आपकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पैथोलॉजी में ना दरअसल होता क्या है कि दो तरह की ग्रोथ्स होती हैं, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो एक्सोफिटिक होती है, ठीक है, एक्सोफिटिक होती है, ये मोस्ट कॉमन होती है। अब देखें, खुद देखें, ये हमारी जो है बाहर क्या है, स्क्लेरा है, ठीक है, ये दरमियान में हमारी क्या है, कोरॉइड है, ठीक है, और ये अंदर हमारी क्या है, रेटिना है, ठीक है।
अब हमारी जो रेटिनोब्लास्टोमा में जो सेल्स की ग्रोथ हो रही है ना, वो एक्सोफिटिक मतलब कोई चीज़ बाहर की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली जब रेटिना के ऊपर ऐसे ग्रोथ हो रही होगी और वो एक्सोफिटिक होगी, मतलब कि ये हमारे पास अंदर है ना, इन है और ये आउट है, तो आउट मतलब कि बाहर की तरफ जब ये ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है, तो इस तरह से ग्रोथ हो रही होगी, तो ये क्या करेगी, जब ऐसे ग्रो करेगी तो उससे क्या होगा कि हमारे पास रेटिना जो होगी वो डिटैच हो जाएगी, ठीक है, ऐसे इसकी तरफ आगे की तरफ जाएगी ना, तो ये रेटिना जो है वो क्या होगी, कोराइड से, वो जो अपनी सॉरी उससे जो है डिटैच हो जाएगी, क्या नाम है उसका, पिगमेंट्री एपिथीलियम से, ठीक है, तो ये हमारे पास हो सकती है ना एक्सोफिटिक ग्रोथ से। और ये दूसरी होती है एंडोफिटिक ग्रोथ, ठीक है, एंडोफिटिक होती है कि जो अंदर की तरफ ग्रोथ हो रही है, और जब अंदर की तरफ ग्रोथ होगी तो उससे तो हमारे पास रेटिना डिटैच नहीं होगी ना, तो इस वजह से जो है ना ये आपको दो पता होनी चाहिए। एक्सोफिटिक सबसे कॉमनेस्ट होती है, जिसमें ये होता है कि हमारे पास जो है ना रेटिना जो है ना वो डिटैच हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना इसका आपको पता होना चाहिए, इसका जो स्प्रेड होता है ना, मतलब कि आई से जो है, आई से कहाँ कहाँ स्प्रेड कर सकता है, तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि ये मतलब पीछे यहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू स्प्रेड करेगा, जब यहाँ पे सारा फैल जाएगा ना, तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू पीछे की तरफ जाएगा ब्रेन की तरफ, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन इसकी जो मेटास्टेसिस होती है वो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द बोन्स, ठीक है, ये बोन्स में सबसे ज़्यादा मेटास्टाइज करता है ट्यूमर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि हमने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी इस ट्यूमर की, तो हम सीटी स्कैन करवाएंगे ना, जिसमें हमने उसकी सीटी स्कैन जो है वो बोन को डिटेक्ट करने के लिए होता है, हम सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। अब जो रेटिनोब्लास्टोमा के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें तो ये आपने चीज़ें लाजमी देखनी होती हैं, क्या वाइट रिफ्लेक्स, ठीक है, इनकी आंखों में ना इस तरह से वाइट रिफ्लेक्स आ रहा होता है, ये नज़र आ रहा है आपको दोनों आंखों में, इसको कहते हैं ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया वाइट कलर का आपको जो है ना ये अंदर नज़र आते हैं आंखों के अंदर, ठीक है, इसको ल्यूकोरिया भी कहते हैं, इसको वाइट प्यूपिल भी कहते हैं, इसको कैट्स आई रिफ्लेक्स भी कहते हैं, जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं पता है उसकी चमकती हैं ऐसी आंखें, तो इस तरह ये जो है ना लाइट रिफ्लेक्स आ रही होती है रेटिनोब्लास्टोमा के बच्चों में, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है, ये एक तो हिलता नहीं है यहाँ से, दूसरी जो चीज़ होती है वो हमारे पास स्ट्रैबिस्मस होती है, ऐसे बच्चों को जो स्क्विंट होता है, ठीक है, साथ में, तो ये हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा आपने ज़रूर लिखना है कि ये मदर्स को भी एक्चुअली काउंसिल किया जाता है कि आपने जो है ना अगर आपको ये बच्चों के अंदर नज़र आए ना, नाउ द ग्लो, इसको कहते हैं नाउ द ग्लो बिकॉज आई कैंसर्स कैन किल, तो बच्चे में ये नोटिस करना चाहिए, बिकॉज ये अर्ली साइन होता है, ये ट्यूमर में अर्ली आपको नज़र आता है, जो शुरू के अभी हम देखने लगे हैं ना इसके डिफरेंट स्टेजेस, तो ये फर्स्ट स्टेज में आपको ये वाला ग्लो नज़र आता है, अगर आप इसमें बच्चे के कैंसर को कंट्रोल कर लेंगे, वो मेटास्टाइज नहीं कर पाएगा, तो फिर हम कॉम्प्लिकेशन से रोक सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बात कि नाउ द ग्लो, ठीक है, ताकि वो उसको कैंसर को पहले से ट्रीट किया जाए। तो ये हमारे पास साइंस होते हैं, देखें वाइट रिफ्लेक्शन इन द पीपल, दूसरा नीचे दिखाया हुआ स्क्विंट हो सकता है बच्चे को, नीचे हमारे पास आई सोलन भी हो सकती है, आई श्रंकन भी हो सकती है, ठीक है, श्रंकन भी हो सकती है, ये लेट स्टेजेस में होती है। अच्छा, उसके बाद ये आई जो है वो रेड हो सकती है, इस तरह से रेड हो सकती है विदाउट इन्फेक्शन, और ये अगेन आपको स्क्विंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे साइंस हैं जो आपने देखने होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा में। अब आते हैं हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स में, जो इसकी स्टेजेस हैं उनकी तरफ, ठीक है। तो इसकी जो है ना फोर स्टेजेस होती हैं। अब ये मैंने आपको फोर स्टेजेस बताने के लिए जो है ना ये पिक्चर्स एक साथ ऐड कर दिया, ताकि आपको स्टेजेस याद करने में, मेमोराइज करने में इजी हो जाए। ये फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बाद ये दोनों जो स्टेजेस हैं दीज आर द सेकंड स्टेजेस, मैं भी आपको बताती हूँ क्या है इनके अंदर। और ये जो हमारे पास थर्ड स्टेज है, दिस इज़ एक्चुअली थर्ड स्टेज, ठीक है, दिस इज़ द फोर्थ स्टेज, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, उसको हम कहते हैं क्विजेंट स्टेज, ठीक है, क्विजेंट स्टेज होती है। ये जो क्विजेंट स्टेज होती है ना, क्विजेंट स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ये वाली। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ल्यूकोरिया नज़र आ रहा है, वाइट रिफ्लेक्स, और दूसरा आपको क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसमें स्क्विंट नज़र आता है, ठीक है, स्क्विंट नज़र आता है। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेज। इसमें साथ साथ जब आप इस फंडोस्कोप से देखते हो, तो आपको एक्सोफिटिक और जो एंडोफिटिक ग्रोथ्स है वो भी नज़र आ सकती हैं, ठीक है, तो वो भी आपने थर्मोस्कोप से देखनी होती हैं, ठीक हो गया। अब जो सेकंड स्टेज होती है, जो मैंने आपको बताई सेकंड स्टेज, ये तो फर्स्ट स्टेज थी ना, जिसमें आपको ल्यूकोरिया और जो है ना वाइट वो नज़र आ रहा था, स्क्विंट नज़र आ रहा था, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेज की तरफ, जिसको मैं पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज़ द सेकंड स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, ये आपको लाइट, ये जो आपको आंख लाल लाल नज़र आ रही है, सो इसलिए ना हम इसको कहते हैं ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है। सेकंड स्टेज इज़ द इन्फ्लेमेटरी या ग्लॉकोमेटस चेन, ठीक है, ग्लॉकोमेटस जो है ना स्टेज होती है। इन्फ्लेमेटरी स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, रेड आई आपको नज़र आती है, पेनफुल रेड आई होती है, ठीक है। और ग्लॉकोमेटस स्टेज, इसको हम इन्फेक्टिव या इन्फ्लेमेटिव या ग्लॉकोमेटस स्टेज कहते हैं, मतलब इसमें ग्लोकोमा हुआ होता है, ठीक है, ग्लोकोमा हुआ होता है इसमें। और
ग्लोकोमा की वजह से फिर लाल आँख हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इस स्टेज में आप ये वाली चीज़ देखें, ये आपको इंटीरियर चैम्बर में क्या नज़र आ रहा है, मैं क्लोज़ करती हूँ, इंटीरियर चैम्बर में आपको, आप इसको देख के कहते हो कि ये हाइपोपायोन है, इंटीरियर चैम्बर में मुझे नीचे बैठी हुई पस नज़र आ रही है, लेकिन ये नहीं है हाइपोपायोन, दिस इज़ अ सूडो हाइपोपायोन, ठीक है। सूडो हाइपोपायोन आपको सेकेंड स्टेज इन्फ्लेमेटरी स्टेज में या ग्लैकोमेटस स्टेज में मिलती है। सूडो हाइपोपायोन में दरअसल पस नहीं होती, यहाँ पे कैंसर सेल्स होते हैं जो इंटीरियर चैम्बर में नीचे बैठ जाते हैं, और वो ऐसे लगता है जैसे हाइपोपायोन है, लेकिन दैट इज़ सूडो हाइपोपायोन, फॉल्स अपेयरेंस ऑफ द हाइपोपायोन, ठीक है। अब चलते हैं जो हमारी थर्ड स्टेज है, दिस इज़ द थर्ड स्टेज, ठीक है। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, प्रोप्टोसिस नज़र आ रही है, ठीक है, जो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्युलर एक्सटेंशन स्टेज, कि अब आँख जो है वो बाहर एक्सटेंड कर ली है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ट्यूमर होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो आईबॉल के बाहर प्रोट्रूड आउट करना शुरू हो जाता है, इसमें प्रोप्टोसिस हो जाती है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है। प्रोप्टोसिस के कॉज में भी हमने इसको देखा था। जो लास्ट स्टेज होती है, लास्ट स्टेज में बेबी को देखें कि उसका क्या हाल हुआ है, ये देखें, सारा उसका इर्द गिर्द वाले लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गए होते हैं, इसको कहते हैं प्री ऑक्युलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम से दूसरे ऑर्गन्स में भी यहाँ तक चला गया होता है, लिवर में चला गया होता है, बोन में चला गया होता है, पीछे ऑप्टिक नर्व से ये हमारे ब्रेन के अंदर चला गया होता है। तो ये जो फोर्थ स्टेज होती है इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस स्टेज, ठीक है। यही आपके पास फोर्थ स्टेज इस बुक में लिखी हुई है, मैं बुक से रीड नहीं करी बिकॉज उसमें टाइम लग जाएगा, आपने अभी अपनी बुक में देख लेना है कि क्विजेंट स्टेज में लिकोरिया है, स्क्विंट है, ठीक है, नंबर वन स्टेज क्विजेंट स्टेज। तो सेकेंड हमारे पास स्टेज है, इसको मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, आपको रेड आई मिलेगी बिकॉज ऑफ द ग्लैकोमा एंड हाइपोपायोन, सूडो हाइपोपायोन मिलेगा, इसको आप कहते हो इन्फ्लेमेटरी या ग्लैकोमेटस स्टेज। थर्ड स्टेज जो होती है दैट इज़ अ स्टेज ऑफ प्रोप्टोसिस, ठीक है, जो कि हमारे पास होती है, इसको हम कहते हैं दिस इज अ स्टेज ऑफ एक्स्ट्राकुलर एक्सटेंशन स्टेज, ठीक है। और ये जो फोर्थ स्टेज होती है दिस इज अ मेटास्टेसिस स्टेज, जिसमें वो मेटास्टाइज कर गया होता है। होप इस पिक्चर से आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। अब हम करते हैं डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में डायरेक्ट आपने ये नहीं लिखने शुरू हो जाना, टोनोमेट्री करना शुरू कर देंगे। हमने सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, उसको बाहर से सारा क्लिनिकली एग्जामिन करना, हमें पता चल जाता है वो, जैसे हमने पीछे साइंस देखे हैं सारे रेटिनोब्लास्टोमा के, वाइट रिफ्लेक्स वगैरह, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, एग्जामिनेशन हो गई, मदर से सारा पूछना है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह लेनी है कि आपकी फैमिली में तो किसी को नहीं था एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड पे जो यहाँ पे टोनोमेट्री की जा रही है, एक्चुअली इंट्राकुलर प्रेशर को मेजर करते हैं इसके थ्रू, वो की जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एक्सोफ्थैल्मोमीटर। हमने जब प्रोप्टोसिस देखा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सोफ्थैल्मोमीटर होता है, उससे हम जो है प्रोप्टोसिस जो है देखते हैं कि कॉर्निया का जो है वो कितना जो है ना वो मतलब एक्सटेंड किया हुआ है, कितनी प्रोप्टोसिस हुई हुई है, इसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। फिर हम जो है वो स्लिट लैंप होता है हैंड हेल्ड, ये स्लिट लैंप वो वाला नहीं है जो इस तरह मशीन बड़ी सी पड़ी होती है, दिस इज़ द हैंड हेल्ड, ठीक है, मतलब हाथ में उठाने वाली ये जो है स्लिट लैंप होती है, इसे हम बेबी के जो इंटीरियर चैम्बर होता है उसकी एग्जामिनेशन करते हैं प्रॉपरली, ताकि हमें नज़र आ सके कि कोई सूडो हाइपोपायोम तो नहीं बैठी हुई अंदर, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी, दिस इज एक्चुअली द इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी। इससे क्या होता है कि आपका सारा जो मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जब रेटिनल डिटैचमेंट पढ़ाई थी कि जो डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी होती है उससे आपका जो आँख होती है वो अंदर से सारी नज़र नहीं आती, तो इसको आप अंदर से अच्छा व्यू करने के लिए आप इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी करते हो, ठीक है, उससे आपको सारी फंडस फाइंडिंग जो है वगैरह वगैरह मिल जाती है, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस करते हैं हम। नंबर वन पे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है लिखा हुआ एक्सरेज, आप करते हो एक्सरेज ऑफ द ऑर्बिट करते हो ताकि आपको कैल्सिफिकेशन नज़र आ सके। कैल्सिफिकेशन बता देती हूँ, ये देखें, देखिए इस तरह से ना सारा मास होता है, इसमें कैल्सिफिकेशन वगैरह हुई होती है, हमें जो वाइट रिफ्लेक्स मिलती है ना बाहर वो इसी वजह से मिलती है, ये अंदर जो मास होता है ना सारा वाइटिश सा होता है, कैल्सिफिकेशन हुई होती है इसमें। तो आप एक्सरे में भी कैल्सिफिकेशन देखते हो, और यहाँ पे आपको बी स्कैन दिखाया हुआ है, बी स्कैन जो है ब्राइटनेस स्कैन होता है, इसमें आपका ये अल्ट्रासाउंड होता है आपकी आई का, इसमें आप कैल्सिफिकेशन जो है आपको नज़र आती है, ये कैल्सिफिकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है सारी, ठीक है, आगे रेटिना के, और इससे आपको साइज़ ऑफ ट्यूमर भी असेस हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में भी आप क्या देखते हो, कैल्सिफिकेशन। सीटी स्कैन किस लिए होता है, हमेशा याद रखना है, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको देखने के लिए होता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली आपका सीटी स्कैन आपको बोन स्कैन होता है, सीटी स्कैन बोन स्कैन होता है, यहाँ पे आपको बोन स्कैन ही दिखाया हुआ है, ये देखें ये जो वाइटिश अंदर नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको कैल्सिफिकेशन ही दिखाता है, ठीक है। फिर आप ये देखें, ये भी हमारे पास है, यहाँ पे कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कैल्सिफाइड मास, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है कि MRI करवाते हो आप, ठीक है, MRI आप इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स्ट्राकुलर एक्सटेंशंस, मतलब चेक करने के लिए कि मसल्स कितने इन्वॉल्व हुए हुए हैं, ठीक है, उसको चेक करने के लिए आप करते हो। अच्छा ये देखें, ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें चेक हो जाती है।
सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बोन मैरो की बायोप्सी करवाते हो, क्योंकि आपको पता है कि बोन में भी ये ट्यूमर चला जाता है, लंबर पंक्चर करते हो, ठीक है, और आप जो है वो चेक करते हो इंजाइम्स, ठीक है, इंजाइम्स आपकी बुक में नहीं लिखे हुए, आप इंजाइम्स चेक करते हो, LDH, ठीक है, ये वाला, और फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, ठीक है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना हैर है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया आपकी इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। अब आपने करना है उसको ट्रीट, तो ट्रीट आपकी बुक में ना बहुत ही स्कैटर्ड सा लिखा हुआ है, इसकी ट्रीटमेंट में वो आपने बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि हमारे ट्यूमर का साइज़ कितना है, ठीक है। अब स्मॉल हो सकता है ट्यूमर, ठीक है, मीडियम हो सकता है या लार्ज हो सकता है, ठीक है। अब खुद सोचिए, अगर छोटा सा ट्यूमर होगा तो उसको तो हम लेज़र के थ्रू, ठीक है, या फोटोकोगुलेशन के थ्रू या क्रायोथेरेपी के थ्रू जो है ना हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कि जैसे छोटी सी इतनी सी जगह है तो उधर हम लेज़र लगा दें, इतनी सी जगह वहाँ पे हम क्रायोथेरेपी कर दें, ठीक है, फ्रीजिंग कर दें उस एरिया की, या इतनी सी जगह वहाँ पे हम जो है वो फोटोकोगुलेशन, ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी कर दें, ठीक है, TTT कर दें, कि प्यूपिल के अंदर से जो है ना वो जाता है वो हमारे पास, ठीक है, ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी, ठीक है, हीट जाती है और उससे हम ट्यूमर को जो है वो ट्रीट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो छोटे ट्यूमर्स होंगे, स्मॉल ट्यूमर्स होंगे, जो कि हमारे पास तकरीबन 12 मिलीमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है, उनको हम जो है ना इन तीन चीज़ों से कर सकते हैं, फोटोकोगुलेशन से, क्रायोथेरेपी से, ट्रांसपिपिलरी थर्मोथेरेपी से, ठीक है। ये बोन्स का दिखाया हुआ है, इसमें हम CT वो करवाते हैं। अच्छा, तो लेकिन जो होते हैं ना, हमारे पास बाद की बात आ जाती है कि अब वो मीडियम हो गया, मीडियम ट्यूमर हो गया, तो उसमें हम छोटी छोटी तो हम जगह पे फोकल तो नहीं कर सकते ना, लेज़र क्रायोथेरेपी और TTT नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले तो मीडियम जो ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक है, मीडियम ट्यूमर्स के लिए कीमोथेरेपी देते हैं, नंबर वन। नंबर टू हमारे पास होता है ब्रेकीथेरेपी, ठीक है, ब्रेकीथेरेपी होता है। ब्रेकीथेरेपी में हम क्या करते हैं, अच्छा ये वाला जो दिखाया हुआ है ये पहले देख लें, ये वाला जो मैंने आपको ये वाली पिक्चर है ना, दिस इज़ एक्चुअली द एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, दिस इज़ अ रेडियोथेरेपी, मतलब कि आपने एक कीमोथेरेपी कर ली और दूसरा आपने रेडियोथेरेपी कर ली, एक्सटर्नल बाहर से एक बीम आ रही है और वो रेडियोथेरेपी कर रही है, ठीक है। और तीसरी जो आपको यहाँ पे नहीं, मेरे पास पिक्चर मैंने सेव की थी, गायब हो गई है पता नहीं किधर, तीसरी जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो है ब्रेकीथेरेपी, ठीक है। ब्रेकीथेरेपी क्या होती है, हमेशा याद रखना है, इसमें ना हम क्या करते हैं, आई के अंदर ना, फॉर एग्जाम्पल ये आई है ना, तो इसमें ना हम अंदर ना एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल देते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब प्लेग सा होता है वो अंदर रख देते हैं, और जो है ना वो रेडिएशन छोड़ता रहता है, मतलब वहाँ पे पड़ा रहता है ये, ठीक है, रेडिएशन छोड़ता रहता है और वो थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे उसको मिलती रहती हैं, हमें बार बार जो है वो रेडिएशन बाहर से नहीं देनी पड़ती, अंदर ही रख देते हैं उसको, और वो अंदर ही जो है ना ट्यूमर को मारता जाता है, ठीक है। तो इसमें जो एक चीज़ आती है ना आपकी, के स्मॉल और मीडियम ट्यूमर्स में जो आप करते हो लेज़र जो आप करते हो ना, लेज़र वो आप इक्वेटर से पीछे करने के लिए, मतलब हीट आप पीछे करने के लिए, इक्वेटर के पीछे अगर आपने ट्यूमर को किल करना है तो उसके लिए आप लेज़र यूज़ करते हो, और अगर आगे करना है तो आप क्रायोथेरेपी कर सकते हो, ठीक है, या ब्रेकीथेरेपी कर सकते हो, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इक्वेटर से पीछे आपने लेज़र करना है, इक्वेटर से आगे अगर ट्यूमर आ गया तो उसके लिए आप क्रायोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी करते हो। ये हो गया हमारे स्मॉल और मीडियम साइज ट्यूमर्स के लिए। जो लार्ज ट्यूमर्स के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप पूरे आईबॉल को रिमूव कर दो, ठीक है, जब आपके रेटिना को उसने मोर देन हाफ इन्वॉल्व कर लिया है, तो या फिर आपके ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो गई, या आपको ग्लोकोमा हो गया, ठीक है, या विट्रियस हेमरेज हो गया, तो इस केस में जो है आप क्या करते हो कि अपना आई बॉल को रिमूव कर देते हो, इसको आप कहते हो ई न्यूक्लिएशन, ठीक है। ये उस केस में करते हो जब ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है, ठीक है, तो ई न्यूक्लिएशन कर देते हो। इसके बाद ये वाला आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया जब आप वाइट रिफ्लेक्स देखते हो तो ज़रूरी नहीं है वो रेटिनोब्लास्टोमा ही हो, आपने ये याद कर लेने हैं कि ये कैटारैक्ट भी हो सकता है, इसमें कुछ आप थोड़े से बहुत थोड़े बहुत याद कर लें, कैटारैक्ट हो सकता है, कोर्स डिजीज़ हो सकती है, टॉक्सोकैरियसिस हो सकती है, ठीक है, ये सारी डिजीज़ में से ना आप कुछ याद कर लें जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकोरिया किस किस और केस में आ सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि ल्यूकोरिया देखते साथ ही आपने कहना जी मैंने पढ़ा था वो रेटिनोब्लास्टोमा, तो इसको रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। एक चीज़ आती है कि हमें ना ये फ्लूरेट्स नज़र आते हैं, ये रेटिनोब्लास्टोमा के जो सेल्स होते हैं ना, फ्लूरेट्स, जैसे ये फ्लावर्स है ना आपके पास ऐसे करके बने हुए हैं, इस तरह के हमारे रेटिनोब्लास्टोमा के सेल्स नज़र आते हैं, सेम उस तरह के नज़र आ रहे हैं फ्लावर्स, ठीक है, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा का ऐसा ट्यूमर नज़र आता है। और इसके अलावा हमें ये वाले सेल्स नज़र आते हैं, रोजेट्स नज़र आते हैं इस तरह के ना, इनको कहते हैं फ्लेक्सनर विंटर स्टेनियर रोजेट्स, ये आपको रेटिनोब्लास्टोमा में मिलते हैं और इसके अलावा इसमें मिलते हैं, बस आपने याद रखना है ट्यूमर सेल्स इस तरह से अरेंज हुए होते हैं और उनके दरमियान में सेंट्रल ल्यूमेन होता है, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे पास पोअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस बड़ा सा होता है और साइटोप्लाज्म बहुत छोटा सा हो जाता है, बस आपने इनकी जो है ना पिक्चर याद रखनी है कि फ्लूरेट्स हो सकते हैं और रोजेट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेटिनोब्लास्टोमा।